नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राज कपूर, नरगिस और कृष्णा राज कपूर की। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर ने अपने अनोखे स्टाइल से सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वहीं राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने भी दर्शकों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक नहीं मिटी। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी रियल लाइफ से इतर रियल लाइफ में भी सुपरहिट थी। दोनों लगभग 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे और हालांकि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, इसलिए नरगिस के साथ उनका रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद नरगिस ने सुनील दत्त से बाद में शादी कर ली। राज कपूर के बेटे और एक्टर ऋषि कपूर की शादी में दत्त परिवार को बुलाया गया था और इस बात का जिक्र ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में है। दरअसल दोनों परिवारों के बीच ऋषि कपूर की शादी के बाद ही नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई थीं। तब नरगिस से ऋषि की मां कृष्णा कपूर ने बात की थी। ऋषि कपूर की किताब के मुताबिक नरगिस ने साल 1956 में फिल्म जागते रहो के बाद आरके स्टूडियो में कदम नहीं रखा, लेकिन 24 साल के बाद ऋषि कपूर की शादी के वक्त नरगिस अपने पति के साथ वहां आई थी। उस वक्त नरगिस काफी नर्वस थी। ऋषि ने अपनी किताब में लिखा है कि नरगिस जी की घबराहट को मेरी मां ने पकड़ लिया था। तब नरगिस को कृष्णा कपूर इवेंट से थोड़ा अलग लेकर गई और कहा, मेरे पति बहुत हैंडसम हैं और काफी रोमांटिक भी, मैं उनके अट्रैक्शन को समझती हूं, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जो गुजर गया प्लीज उसके बारे में मत सोचो। खुशी का माहौल है, हम दोनों यहां दोस्त की तरह मिल रहे हैं, पुरानी बातें भूल जाओ। और इसके बाद फिर नरगिस उस पार्टी में एक तरीके से सामान्य हो पाई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।